अनुपमा और अनुज के बीच आई बड़ी दरार। जी हां, कलर्स टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो अनुपमा हमेशा टीआरपी की लिस्ट में बना रहता है अपने ट्विस्ट और टर्न्स के लिए। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि मेकर एक बड़ा धमाकेदार ट्विस्ट लेकर आने वाले हैं। जी हां, आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से अनुज और अनुपमा के बीच आ गई है दरार। पिछले एपिसोड में हमने देखा अनुपमा डिंपल के रेपिस्ट को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही हैं ताकि वो डिंपल को इंसाफ दिला सके। वहीं अनुज भी अपने बिजनेस में ध्यान लगा रहे हैं। दूसरी तरफ अनुपमा शाह फैमिली और पाखी के प्रॉब्लम में उलझी हुई है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि पाखी और अधिक की लड़ाई हो रही होती है। इसी बीच अनुपमा वहाँ पहुँच जाती है और पाखी को समझाने की कोशिश करती है। इसी बीच वो छोटी अनु के स्कूल में होने वाले क्रिसमस सेलिब्रेशन के बारे में भूल जाती है। इसके वजह से अनुपमा जब घर आती है, अनुज और अनुपमा में हो जाती है बड़ी लड़ाई। अनुज बेहद गुस्सा हो जाते हैं और वो अनुपमा से पूछते हैं कि अनु के स्कूल में होने वाले क्रिसमस सेलिब्रेशन की तैयारी क्यों नहीं हुई। तो अनुपमा वहाँ झूठ बोल देती है कि मुझे याद है और मैं अभी कर देती हूँ, जिसे सुन अनुज का गुस्सा फूट पड़ता है और वो गुस्से में आकर कर देते हैं एक बड़ा फैसला। वो अनुपमा से कहते हैं कि तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शाह फैमिली के लिए ही है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या। और वो आगे कहते हैं कि आज से मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच नहीं आऊँगा। जी हाँ, अब क्या लगता है अनुज और अनुपमा के बीच आई ये दरार कैसे कम कर पाएंगी अनुपमा, क्या बड़ा कदम उठाएंगी अनुपमा, हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और इसी तरीके की अपडेट्स के लिए देखते रहिए फीफा फूस टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।